मिर्च, सागा प्याज, टमाटो, धनिया की पत्ती और लहसुन। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों दाल। तो इधर देखिए दोस्तों, मैंने शुरू कर दिया अपना दाल फ्राई करना, ठीक है। इधर है ये सागा प्याज, जो इससे बहुत टेस्टी होता है। कुछ भी बनाओ, मैगी बनाओ, चावल फ्राई करो या दाल फ्राई करो, कुछ भी बहुत टेस्टी होता है। तो दो मैंने ये ले लिए हैं, ठीक है। और ये इसका पलाई जो है, जो ख़राब है, उसको हम कट करके साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने सबको अच्छे तरीके से धुल लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और धनिया की पत्ती मेरे पास बस इतना ही था, इसके लिए मैं इतना ही ले रही हूँ। और चलिए सबको मैंने, मतलब हम लोग बारीक पहले काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मिर्ची काटना बड़ा छटक जाता है पूरा बिया। तो ये दाल तड़का बड़ा ही अच्छा है, एकदम सिंपल तरीका है, ना ताम ना झाम, जैसे लोग वीडियो में दिखाते हैं धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, ये पाउडर, वो पाउडर, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और बहुत टेस्टी भी लगता है सबको, ऐसा मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, ठीक है। मिर्ची मेरी कट गई, अब काटते हैं हम सागा प्याज। पहले ऐसे इसको चारों तरफ से बारीक कर लेते हैं। अब बारी आती है टमाटर लाल की। तो चलिए टमाटर लाल को पहले काट लेते हैं। प्याज आप बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और थोड़ा वीडियो में आवाज़ भी आ रहा होगा, क्योंकि मेरे बच्चे तड़क भड़क उधर बर्तन खेल रहे हैं इसकी वजह से। तो इधर देखिए, हमारा ये सब रेडी हो गया है। हरी मिर्च, सागा प्याज, टमाटो, धनिया की पत्ती और लहसुन। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें डालते हैं भर भर के 2 चम्मच बड़े चम्मच से घी, ठीक है। थोड़ा और डाल देते हैं, घी फायदा ही करेगा बच्चों को या किसी को भी। हमारा घी गर्म हो गया, ये आप लोग, ये मतलब वो चीज़ें जो मैं घी गरम मतलब पकाती हूँ तो ये तो रहता है, तो इसलिए वो तो कोई बात नहीं। इसमें डालते हैं हरा मिर्चा, फिर डालते हैं लहसुन, जो बहुत ही तड़क भड़क पता नहीं क्यों कर रहा, तो इनको लाल होने देते हैं। और साथ ही साथ डाल लेते हैं सागा प्याज अपना, ठीक है। इधर हमारा प्याज लाल हो गया, अब इसमें डालते हैं हरा मतलब वो टमाटर डाल देते हैं इसमें। नमक हमने ऑलरेडी दाल में डाला हुआ है, तो इसे हल्का ही डालते हैं ताकि टमाटर फटाक से गल जाए, ठीक है। देखिए टमाटर हमारा कितने अच्छे से गल गया है, ठीक है। अब इतना तो रहेगा ही, और इसमें ऐड कर देते हैं धनिया की पत्ती, ठीक है, जो कि मैं ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सूख गया था इसलिए मैं ऊपर से एकदम ताज़ा रहता है, सब ऊपर से डालना चाहिए, ये थोड़ा सूख गया है। बीच में डाल देते हैं दाल, रहर का दाल है एकदम से अच्छा, मतलब रहर का दाल ही फायदा करता है, तो ये रहर का दाल है। कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा पकेगा बस 2 मिनट, उसके बाद हम लोग इसको उतार देंगे, गैस बंद कर देंगे। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, दाल हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। थोड़े ज़्यादा लोग हैं इसलिए थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, गाढ़ा पसंद भी नहीं आता है मुझे, देखिए। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं और देते हैं सबको खाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।